नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार माई गर्ल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ये पालक है, पालक के बीज आज हम लगाएंगे। तो ये जो पैकेट देख रहे हैं आप, ये 20 रुपए का पैकेट है, इसमें काफ़ी बीज है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके पालक के बीज कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये है पालक के बीज। तो ये आज हम इस पॉट में लगाएंगे कि चौड़ाई या लंबाई आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे ही पॉट का चूज करें जिसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी हो, गहराई ज़्यादा ना हो लेकिन लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पालक मिल सके। तो और जो मिट्टी है, मिट्टी वही मिश्रण जो हमने पहले यूज किया था, जो 50% गार्डन सोयल है और 25% कोकोपीट है और 25% वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद आप यूज कर सकते हो, दोनों में मिला सकते हो। तो ये उसका मिश्रण है। तो दोस्तों, ये जो पालक के बीज है, इसको हम सिंपली इनका ऐसे छिड़काव कर देंगे। तो इनका हम ऐसे ही छिड़काव कर देंगे। तो काफ़ी बीज है इसके अंदर, हम सारे बीज इसके में नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार आप इसके बीज ऐसे स्प्रिंकल कर दें, ऐसे छिड़काव कर दें। अब हम इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की डालेंगे। तो इतने ही मिट्टी डाले कि जो हमारे बीज है अच्छी तरह ढक जाएं, दिखाई ना दें। और अब हम इस पर वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग भी आपको ध्यान तो वाटरिंग भी ऐसे करें कि जो हमारे बीज है अपनी जगह से ही लेना। इस प्रकार आप वाटरिंग करें ताकि जो बीज है वो अपनी जगह से ना ही ले। एक बार अच्छी तरह पानी दे दें और इसको आप धूप में ही रहने दें। आपको लगे कि आपकी मिट्टी ड्राई होने लगी है तभी तब पानी दें इसके अंदर। और कुछ ही दिनों में इसकी जो एक बार आप अच्छी तरह पानी दे दें, जो पानी है नीचे तक गीले हो जाए। दोस्तों, हमने इसके अंदर वाटरिंग कर दी है। ओवर वाटरिंग ना करें, आपको पानी से ना भरे, इतना ही पानी दे कि इसके अंदर नमी बनी रहे। तो कुछ ही दिनों में ये जो हमारे पालक हैं ग्रो हो जाएंगे। तो देखते हैं कितने दिन में हमारे ये पालक के बीज हैं ग्रो होते हैं। पूछ करें पर दोस्तों, जो हमने पालक लगाया था आज उसको लगभग 25 दिन हो गए हैं, और 25 दिन बाद आप
देख सकते हैं कि हमारी पालक की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो जो हमारा जो पॉट है वो पालक से भर गया है पूरी तरह से। देख रहे हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। अभी हम इस पर यूज़ भी कर सकते हैं इसकी, लेकिन एक हफ्ता बाद इस पर इसकी ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं काफ़ी, और बिल्कुल आसान है ग्रो करना, ही ग्रो हो जाता है। और जब आप पालक तोड़े तो उसको जड़ से ना उखाड़े, जैसे आप देख रहे हैं ये एक प्लांट है, एक प्लांट पे काफ़ी लीव जाई हुई है। तो ये आप यहाँ से इसको काट लें, यहाँ से इसकी पत्तियाँ काटे, यहाँ से जड़ से ना उखाड़े, यहाँ से चाकू की सहायता से आप यहाँ से इसकी जो लीव्स है ये निकाल लें। तो ऐसे करने पर इसमें दोबारा ग्रोथ शुरू होगी, दोबारा फुटाव शुरू होगा और फिर से आपका पालक तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 3-4 बार पालक ले सकते हैं, ऊपर से काटते रहें और बार बार में फुटाव होता रहेगा। तो पॉट में भी बहुत ही ईजी से आप इसको लगा सकते हो, काफ़ी आसान है, जल्दी ग्रो जाता है। तो आप घर में लगा कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन दर्शकों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नई प्लांट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।